एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, लंबे समय के बाद एक बार फिर से कुमकुम भाग्य में वापसी करने वाले हैं अभि और प्रज्ञा, यानी कि प्राची और रिया के माता पिता। एक तरफ जहां रिया का पर्दा पूरे तरीके से फाश हो चुका है, रिया का सच सबके सामने आ चुका है, तो वहीं दोस्तों कहानी का आखिरी मोड़ आ चुका है। खबर सामने आई है कि कुमकुम भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाला है और शो की शूटिंग की आखिरी कुछ झलक सामने आ चुकी है, जिसमें हमेशा हमेशा के लिए अभि और प्रज्ञा की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा। ये सीरियल अभि और प्रज्ञा की लव स्टोरी से शुरू हुआ था, जिसके बाद खबर है कि इस कहानी का अंत भी इन दोनों के प्यार को खत्म करके ही किया जाएगा। दोस्तों, कुमकुम भाग्य की पहली पीढ़ी की बात करें तो अभि और प्रज्ञा कई बार अलग हुए, लेकिन इन दोनों ने हमेशा ही मौत को मात दी और किसी न किसी तरीके से जिंदगी ने इनको वापस एक दूसरे से मिला ही दिया था। लेकिन जिसके बाद कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया था और अभि और प्रज्ञा लंबे समय से कोमा में है, ये खबर सामने आई थी। दोनों को एक ही रूम में हॉस्पिटल के रखा गया था और कहानी आगे बढ़ी थी उनकी बेटियों की, यानी कि रिया और प्राची की, जिसके बाद रिया ने पूरे तरीके से आलिया की कहने पर सब कुछ बुरा किया, प्राची की जिंदगी को पूरे तरीके से खराब करके रख दिया। लेकिन इनके लाख कोशिशों के बाद जब आखिरकार प्राची की जिंदगी में खुशियां वापस आ गई, रणबीर और प्राची एक हो गए, तो रिया का पर्दाफाश हो चुका है और अब कहानी पूरे तरीके से सॉर्ट हो चुकी है, यानी कि प्राची और रणबीर एक हो चुके हैं और उनका बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। रिया और आलिया की गंदी हरकतें भी सामने आ गई हैं और उन्हें पुलिस के हवाले करना है। कहानी का अंत आपको बता दें कि इस तरह से होगा कि आलिया को लगेगा ये सब कुछ प्रज्ञा की बेटी की वजह से हुआ है, तो वो गुस्से में आकर प्रज्ञा को उसके पति यानी कि अपने भाई अभी से अलग करने की कोशिश करेगी। वो ऑक्सीजन मास्क निकालकर उसे मारने की कोशिश करेगी और जिस तरह से एक दूसरे की सोल से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो प्रज्ञा जैसे ही दुनिया को अलविदा कहेगी तो अभी भी इस दुनिया को अलविदा कह देगा। वहीं आलिया और रिया को उनके पापों की सजा मिलेगी और रणबीर और प्राची अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और इस तरह से कुमकुम भाग्य कहानी का पूरे तरीके से अंत हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।